गर्मियों में आइसक्रीम खाने के तो सभी दीवाने होते हैं, लेकिन रोज रोज मार्केट से आइसक्रीम ला भी तो नहीं सकते। तो आज सिर्फ आधे लीटर दूध से 1 किलो आइसक्रीम बनाएंगे और सिर्फ घर के सामान से, बिल्कुल मार्केट स्टाइल आपकी आइसक्रीम घर पर बनेगी। तो आपको इसके लिए लेना है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और फिर आपको इसमें डालना है दूध, बस थोड़ा सा डाल दीजिएगा और आपको मिक्स करना है। लैंप से फिर आपको इसका दूध तैयार कर लेना है। तो लीजिए, ये भी काम हमारा हो चुका है। अब चलिए, आपको पैन में आधा लीटर दूध लेना है, साथ में आपको उबलते दूध में 5 से 6 चम्मच आपको शक्कर डालना है और फिर आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब दूध में थोड़ा थोड़ा सा उबाल आने लगे तो आपको कस्टर्ड पाउडर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कस्टर्ड पाउडर नीचे जम जाता है, तो इसे आप थोड़ा सा चला लीजिएगा और फिर आपको थोड़ा थोड़ा डालते हुए, लगातार चलाते हुए इसे आपको डालना है। तो लीजिए, हमने कस्टर्ड मिल्क इसमें पूरा डाल दिया है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि ये गाढ़ा होना स्टार्ट होने लगता है और आपको लगातार चलाते हुए इसे आपको गाढ़ा करना है। तो लीजिए, मैंने चम्मच में कोटिंग कर लिया और मैंने लाइन खींच कर दिखाई, तो इस तरह से आपको गाढ़ा बैटर कंप्लीट करना है। तो चलिए, अब बैटर को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और दूसरे बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। अब आपको एल्युमिनियम फॉइल लेना है, इससे आपको कवर कर देना है और फिर आपको इसे 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है, जिससे ये थोड़ा थोड़ा सा ठंडा भी हो और सेट भी हो जाए। तो लीजिए, 2 घंटे बाद हम फिर से आइसक्रीम को चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारी आइसक्रीम हल्की हल्की सी जम गई है, इसमें आइस क्रिस्टल भी आ चुके हैं। तो बस आइसक्रीम को आपको चम्मच की हेल्प से तोड़ना है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें आइस क्रिस्टल बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब चलिए, मिक्सी जार लेना है, इसमें आपको आइसक्रीम को डालना है और साथ में आपको घर के दूध की मलाई लेना है, जो ऊपर पड़ जाती है ना, बस आपको उसी को ताजी मलाई लेना है और फिर आपको इसमें डाल देना है और आपको ग्राइंड करना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट आपको कंप्लीट करना है। अब आपको कोई भी प्लास्टिक का डब्बा लेना है, जो भी बर्तन लेना हो आप ले लीजिए और फिर आपको आइसक्रीम को इसमें फिल करना है और फिर से आपको वही एल्युमिनियम फॉइल ले लेना है और इसे कवर कर देना है। इससे क्या होगा, आइस क्रिस्टल आइसक्रीम में नहीं जमते हैं। और फिर आपको ढक्कन ऊपर से कवर कर देना है और फिर आपको ओवरनाइट चाहे तो 8 घंटे के लिए आप फ्रीजर में इसे रख दीजिए। तो लीजिए, 8 घंटे बाद हम फिर से आपको आइसक्रीम को खोल कर दिखा रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारी आइसक्रीम बनी, सुपर तो लग रही है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी। अब चलिए, मैं इसे आपको निकाल कर भी दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट आइसक्रीम बनी है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट आइसक्रीम हमारी बन चुकी है। ये देखिए, आपने इस तरह से आइसक्रीम बना ली तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इस आइसक्रीम को मार्केट से नहीं बल्कि घर पर बनाया है। तो बस इसे आप टूटी फूटी से गार्निश करिए, थोड़ा सा पिस्ता भी लगाइए और फिर मैं इसे आपको खाकर भी दिखाती हूँ। बहुत ही सुपर सॉफ्ट मुलायम आइसक्रीम बनी है, ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।